तो आज का जो हमारा एम है, हमको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जहाँ पे जो रेजिस्टेंस का सर्किट होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस तरह के सर्किट में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको चाहिए कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो इसमें देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो पॉइंट और चूज कर रहा हूँ, सी और डी। अब देखो समुद्र में से अगर आप एक बूंद निकाल भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरह से ये सर्किट इनफाइनाइट है। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो अगर मैं इसमें से ये एक ब्रांच निकाल भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने मान लिया कि जो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, मान लो सपोज एक्स ओम आएगा। थोड़ा अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड है तो आप समझ सकते हो, जैसे मान लो वाई लिखा हो एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, कब तक, इन्फिनिटी तक। तो आप क्या लिखते हो इसको, आप लिखते हो वाई इक्वल टू, आप एक एक्स को छोड़ देते हो और आप बोलते हो वाई क्या है कि एक्स की पावर एक्स चलता रहे इन्फिनिटी तक। तो ये जो ऊपर चल रहा है आप बोलते हो ये भी वाई है, तो आप इसको इस तरह से लिख देते हो। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो समझो कि इसमें इनफाइनाइट, जैसे मान लो ये 5 लाख होते डब्बे ऐसे, तो एक डब्बा निकाल भी देता तो 5 लाख डब्बे या फिर 4,99,999 डब्बे तो लगभग सेम सा ही होता, तो वहां तो फिर भी एक का फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब इनफाइनाइट है तो आपने अगर एक को रिमूव कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या बोलोगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी का आएगा वही रेजिस्टेंस किसका आएगा, सी डी का भी आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सर्किट है, एक ब्रांच निकाल दी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको दोबारा रीड्रॉ करोगे तो आप पॉइंट ए और बी को ऐसे ड्रॉ कर लोगे, आर यहां पे, आर यहां पे, आर, और यहां पे जो पॉइंट सी और डी थे तो आप बोलोगे सी और डी इनके बीच का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए एक्स जो ए बी का था नेट, क्योंकि इनफाइनाइट में से आपने एक ब्रांच कम कर दी तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। और अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो अब इसमें देख सकते हो आप ये वाला आर और ये वाला एक्स, ये दोनों किसमें हैं, पैदल में हो गए, ठीक है, पैदल में हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया मैंने इन दोनों के लिए। तो अब हमारा सर्किट क्या रह गया, ये ए ये बी, एक तो ये रेजिस्टेंस ये आर है, एक ये रेजिस्टेंस जो हमने निकाला आर इक्विवेलेंट, और ये एक रेजिस्टेंस और ये है आर। तो अब हमारे पास में नेट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या आ जाना चाहिए, तो अब हमारे पास में जो नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए सर्किट का वो आना चाहिए, और वो नेट रेजिस्टेंस है कितना आर ए बी के बीच का, वो है तो एक्स, तो किसके बराबर आएगा, अब ये आर और ये आर इक्विवेलेंट और एक और आर, ये तीनों सीरीज में हैं तो ये डायरेक्टली एडअप हो जाएंगे। तो कितना होगा, 2R+R इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एक्स के बराबर। तो अब एक्स में इक्वेशन बन जाएगी, आप एक्स वाली चीजों को एक तरफ ले आओ, बाकी चीजों को एक तरफ रखो, एक्स में बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मेरा काम वैसे फिजिक्स के हिसाब से यहीं पे खत्म हो गया कि अब आप सॉल्व कर लो, आपका काम है, बट ठीक है मैथ से थोड़ा प्यार है इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे, अदरवाइज फिजिक्स के हिसाब से हमारा हमारा काम हो चुका है। सबसे पहले मैं एक्स में क्वाड्रेटिक को थोड़ा तमीज से बना लूंगा, तो एक्स स्क्वेयर, अच्छा ये एक्स आर और ये एक्स आर, ये एक टर्म तो कट गई तो कुछ तो कम हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2R² + 2RX, तो अब इसको एक तरफ ले आओ, तो X²-2RX+2R² = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सॉल्व करने के लिए मैं धराचार्य फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो X = -B + √B² तो 2R² तो 4R² - 4AC, तो 4A है 1 और C है 2R², -4AC/2A। तो इस केस में तो एक्चुअली में जो आंसर आ गया वो थोड़ा गड़बड़ आंसर आ गया, मतलब यहाँ पे रूट के अंदर ये नेगेटिव आ गया, कहीं मैंने कुछ गलती करी है, ये माइनस का आएगा ना, हाँ ये माइनस का आएगा, सॉरी सही है सही सही है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आंसर आ गया, तो आंसर आ गया आपके पास में 2R+-√ के अंदर कितना हो गया 12R², तो एक आर बाहर आ जाएगा और बटे में क्या है 2, तो आप यहां पे अब 2 को कॉमन ले सकते हो,
ठीक है, 12 में से आप उसको लिख दो 4 into 3, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2r यहाँ बचेगा √3 और बटे में आएगा 2, तो ये कट गया, तो ये कितना आया r± r√3। तो आप यहाँ पे ये वाला जो आंसर है r − r√3, इस आंसर को आप मना कर दोगे और आप बोलोगे आपका जो सही आंसर है x का वो कितना है r + r√3। ऊपर वाले को मैंने मना क्यों कर दिया, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस केस में आपका जो आंसर होता वो ये होता। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सर्किट को सॉल्व किया जाता है।